नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मंगलवार की रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरकाशी, पहाड़ों की रानी मसूरी, साथ ही पौड़ी में भी रात बता दें कि 10:21 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप से अभी तक जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं बता दें कि अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम जगहों पर पाकिस्तान के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और साथ ही इस दौरान भूकंप से 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 180 से ज्यादा लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। और यह तस्वीर बता दें कि देश में तमाम जगहों पर कल रात भूकंप के झटके महसूस किए गए और साथ ही बता दें कि उत्तराखंड में भी तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। साथ ही पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भूकंप से 9 लोगों की मौत हो गई है, 180 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। आज से ही 9 दिनों तक शक्ति की आराधना की जाती है। वहीं नवरात्रि का महापर्व साल में 2 बार आता है, पहले चैत्र नवरात्रि और फिर शारदीय नवरात्रि। चैत्र शुक्ल के प्रतिपदा तिथि में चैत्र नवरात्रि की शुभारंभ की जाती है। इस शुभ अवसर पर माँ दुर्गा नौका में सवार होकर आई है और नाव जल परिवहन का साधन होता है। माँ दुर्गा जब नाव में आती है तो ये एक अच्छी बारिश और फसल के संकेत देते हैं। वहीं आज के बता दें कि पूजा अर्चना करने से मां आदि शक्ति से बता दें कि शक्ति देती है, आशीर्वाद देती है और आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करती है। 5 अलग अलग जगहों की आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं जहां पर नवरात्रि के खास मौके पर जबरदस्त तस्वीर सामने आई है। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, मध्य प्रदेश के मैहर और जम्मू से जहां पर नवरात्रि के खास मौके पर देखिए किस तरीके से पूजा आराधना की जा रही है। और हैदराबाद की आप तस्वीर देखिए किस तरीके से नवरात्रि के खास मौके पर यहाँ पर लोग झूमते गाते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली में भी देखिए किस तरीके से नवरात्रि के खास मौके पर मां की पूजा आराधना की जा रही है। महल में भी और मुंबई में भी नवरात्रि के खास मौके पर लगातार बता दें आपको कि पूजा आराधना की जा रही है। साथ ही जम्मू में भी नवरात्रि के खास मौके पर लोगों में अलग उत्साह देखने को मिलता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, 9 दिनों तक मां की आराधना पूजा करते हुए अलग अलग लोग देखे जाएंगे। और ये देखिए आपको 5 अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बता दें कि नवरात्रि के खास मौके पर पूजा आराधना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखने को मिली है और साथ ही ये देखिए किस तरीके से मैहर में, मध्य प्रदेश के मैहर में नवरात्रि के खास मौके पर सुबह माँ की पूजा आराधना, माँ की आरती की गई है। उसके बाद से ही लगातार मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। हैदराबाद में देखिए चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने के साथ साथ ही लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही बता दें आपको कि यहाँ पर गरबा भी खेला जा रहा है। बता दें आपको कि हैदराबाद में उत्साह के साथ काफी बच्चे भी वहां नवरात्र के खास मौके पर नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू की तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही नवरात्र के खास मौके पर देखिए किस तरीके से अद्भुत तरीके से मंदिरों को सजाया जा रहा है और साथ ही यहां पर श्रद्धालुओं की अलग भीड़ देखने को मिली है जम्मू में भी। और नवरात्रि के खास मौके पर मुंबई में भी प्रशासन की तरफ से काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मुंबई में नवरात्रि के खास मौके पर मंदिरों में बहुत ही ज्यादा तादाद में भीड़ देखने को मिलती है और इस दौरान प्रशासन हर मंदिर में मौजूद होते हैं और साथ ही महिला, बच्चे, किसी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर प्रशासन अलग अलग तरीके से इंतजाम करते हुए नजर आते हैं। वही बलरामपुर में सड़क मार्ग से शक्तिपीठ बता दें कि देवीपाटन मंदिर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर बता दें तेज आंधी और बारिश के चलते हेलीकॉप्टर का उड़ना हुआ और इस दौरान बता दें कि कैंसिल
शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में पूजा अर्चना वे करेंगे और साथ ही कुछ देर बाद चैत्र मेले को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए भी नजर आएंगे और विधायकों से मुलाकात करने की भी खबर सामने आई है। शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में वे पहुंचेंगे और साथ ही योगी आदित्यनाथ बता दें कि बलरामपुर पहुंचे हैं और चैत्र नवरात्रे की शुरुआत के साथ ही बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ मंदिरों में पूजा आराधना भी करते हुए नजर आएंगे। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर बलरामपुर में हैं और साथ ही बता दें कि आज सुबह ही नवरात्रे के प्रथम दिन मां बता दें कि पूजा मां की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। शैल पुत्री मां की आज की पूजा होती है और साथ ही बता दें कि इस दौरान स्कूटी रैली को भी हरी झंडी दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बलरामपुर की ये तस्वीर जहां पर दो दिवसीय दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ और इस दौरान बैठकों का दौर भी देखने को मिलेगा। सीएम योगी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे और इस दौरान दो चरणों में चलने वाली 9-9 जनपदों में भ्रमण कर महिलाओं को जागरूक करने का भी काम करते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीर बलरामपुर से जहां पर योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान वो बैठक करेंगे और साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना भी करते नजर आएंगे। अब बात कानपुर की करते हैं जहां पर नवरात्रे के पहले दिन मंदिरों में लोगों बता दें कि भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली है और साथ ही बता दें कि कानपुर के बारा देवी मंदिर में दर्शन करने को भक्तों का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। सुबह से ही यहां पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली है और साथ ही बता दें कि यहाँ पर काफ़ी प्राचीन ये बारा देवी मंदिर है जहाँ पर नवरात्रे के खास मौके पर श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को है। और यह तस्वीर कानपुर की जहां पर मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर के बारा देवी स्थित यह मंदिर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। काफी प्राचीन मंदिर यह बताया जाता है और इस मंदिर में नवरात्रि के खास मौके पर भक्तों की बहुत ही ज्यादा लंबी तादाद देखने को मिलती है। इसकी वजह से यहां पर अलग अलग तरीके की व्यवस्था भी की गई है और यह उस मंदिर के बाहर बाजारों की तस्वीर और साथ ही यह मंदिर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर भक्त पहुंचे हैं माता के दर्शन करने पूजा अर्चना करने के लिए। सुबह से ही यहां पर भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा तादाद में देखने को मिल रही है। वही नवरात्रि के खास मौके पर अब आपको हरिद्वार माफ करिएगा उत्तराखंड लिए चलते हैं और साथ ही आपको उत्तराखंड में चार अलग अलग जगहों की आपको हम तस्वीर दिखाएंगे जहां पर हरिद्वार गोरखपुर वाराणसी लखनऊ की यहां पर भी चैत्र नवरात्रि की अलग धूम देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से गोरखपुर हरिद्वार लखनऊ वाराणसी में नवरात्रि के खास मौके पर लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। 9 दिनों तक यहाँ शक्ति की आराधना पूजा की जाएगी और यहाँ पर देखिए गोरखपुर की तस्वीर देखिए किस तरीके से सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की तादाद देखने को मिली है। मां की पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और साथ ही बता दें आपको कि यहां पर श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह देखने को मिला है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और साथ ही बता दें हरिद्वार की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से ही माता का श्रृंगार किया गया पूजा अर्चना की शुरुआत की गई और साथ ही आरती करने के साथ ही वहां पे पूजा की शुरुआत हुई और 9 दिनों तक बता दें आपको कि यहाँ पर माता की पूजा अर्चना की जाएगी। काफी भव्य तरीके से हरिद्वार में माता की पूजा अर्चना होती है। लखनऊ की भी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे और साथ ही प्रशासन भी वहां काफी मुस्तैद नजर आया था। प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरीके की व्यवस्था की गई थी। बच्चों के लिए महिलाओं के लिए भी अलग व्यवस्था की गई थी जिससे बच्चों महिलाओं श्रद्धालुओं किसी तरह कोई परेशानी ना हो। वाराणसी की भी आप तस्वीर देखिए सुबह से ही यहां पर भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है और वाराणसी में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने के साथ साथ ही यहां भक्त माता के दर्शन करने पूजा अर्चना करने के लिए सुबह ही पहुंच गए थे और साथ ही बता दें कि इस दौरान वाराणसी में भी तमाम इंतजाम भक्तों के लिए किए गए हैं और साथ ही वाराणसी में
लगभग हर मंदिरों में आपको यही तस्वीर देखने को मिलेगी, चाहे वो वाराणसी हो या गोरखपुर हो, हर जगह आज चैत्र नवरात्रि की जिस तरीके से शुरुआत हो गई है, माता के दर्शन करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं और एक लंबी तादाद में श्रद्धालु मंदिर में देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद से प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद नजर आई है। हर मंदिर में प्रशासन मौजूद है और साथ ही अलग तरीके से व्यवस्था की जा रही है श्रद्धालुओं के लिए। और उत्तराखंड में ये चार अलग अलग जगहों की आपको हमने तस्वीर दिखाई, जहां पर श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह देखने को मिला है और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। और उसके बाद बात अब करेंगे कासगंज की, जहां पर पुलिस ने रमजान और नवरात्रि पर्व को लेकर फ्लैग मार्च निकाला है। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टि से अराजक तत्वों को बता दें कि पकड़ने के लिए ये पुलिस की तरफ से ये मुहिम निकाली गई है और साथ ही ये संदेश देती हुई पुलिस नजर आ रही है कि त्योहारों पर और भी हम सख्ती बरतेंगे। और साथ ही ये तस्वीर आप कासगंज की देखिए, किस तरीके से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और इस दौरान पुलिस के तरीके से तरफ से मुहिम चलाई जा रही है, जिससे कोई भी बदमाश जो है ये त्योहारों के समय कोई भी बदमाश पे सख्ती लगाया जा सके, और इसको लेकर ही पुलिस की तरफ से ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और साथ ही बता दें कि चार पहिया वाहन हो या दो पहिया वाहन, सब पर लगातार पुलिस अपनी निगरानी बना के रखी हुई है। और बता दें कि लगातार इस बार नवरात्रि और रमजान एक साथ पड़ रहे हैं, जिसके वजह से प्रशासन जो है काफी मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि दो दो त्यौहार है एक साथ और प्रशासन किसी भी तरीके से कोई कमी ना आए, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से ये फ्लैग मार्च निकाला गया है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। और ये कासगंज की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर रमजान और नवरात्रि के खास मौके पर यह फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक करते हुए, लोगों से अपील प्रशासन नजर आई कि रमजान का त्यौहार हो या नवरात्रि का त्यौहार, आप शांतिपूर्ण इस त्यौहार को मनाएं और साथ ही बदमाशों पर लगाम लग सके और एक भय पैदा हो सके, इसको लेकर प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई और लोगों से अपील करती हुई नजर आई कि आप दोनों त्यौहार को काफी उत्साहपूर्वक शांतिपूर्वक मनाएं। और देखिए यह प्रशासन की तरफ से किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन खुद सड़कों पर उतरकर फ्लैग मार्च के द्वारा लोगों को जागरूक करती हुई नजर आई है। और ये तस्वीर आप देखिए, बता दें कि इस बार रमजान और नवरात्रि का त्यौहार दोनों एक साथ पड़ रहा है, इसकी वजह से प्रशासन भी काफी पुख्ता इंतजाम करती हुई नजर आई और साथ ही खुद ही सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करती हुई नजर आई। वहीं हरदोई जिले में दिन दहाड़े पुलिस के रस्सू को चुनौती देते हुए दो बाइक सवार, बाइक बता दें कि बदमाशों ने पैदल जा रही महिला के गले से चेन छीन ली और साथ ही बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। चेन तोड़ने के बाद से महिला ने चेन स्नैचर पर शोर मचाया और साथ ही पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है, सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात जो है वह कैद हो गई है। अब पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है और कब तक इन चेन स्नैचरों पर लगाम लग सकेगा, ये देखना अहम होगा। वहीं हरदोई में पुराने पेंशन बहाली संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन किया है और रैली निकालकर पेंशन बहाली को लेकर 20 सूत्री मांगों का पत्र अधिकारियों को दिया है। कर्मचारियों ने कहा है कि यह वर्ष चुनावी वर्ष है, जिस प्रकार से देश की 5 राज्यों में पुराने पेंशन बहाल हो चुकी है, हमें विश्वास है कि सरकार यूपी में भी पुराने पेंशन को बहाल करेगी। और बता दें कि हरदोई में 20 सूत्री मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ये प्रदर्शन करते हुए पदाधिकारी नजर आए। कलेक्टर परिसर पर यह धरना प्रदर्शन दिया गया है और साथ ही रैली निकालकर पेंशन बहाली को लेकर 20 सूत्री मांगों को पत्र अधिकारियों को दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष चुनावी वर्ष रहा है, जिस प्रकार से देश में 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, हमें विश्वास है कि यूपी सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगी और 20 सूत्री मांगों को लेकर अधिकारी
ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और साथ ही अपना ज्ञापन अधिकारियों को सौंपते हुए नजर आए। राजधानी लखनऊ में स्कॉर्पियो सवार सरफिरे ड्राइवर ने ट्रैफिक की ड्यूटी में तैनात हेड कांस्टेबल संजय यादव पर बता दी कि कार चढ़ा दी है, जिसके बाद हेड कांस्टेबल संजय यादव घायल हो गया है। वहीं पुलिसकर्मियों ने कार चालक को दौड़कर पकड़ा और साथ ही चालक को पकड़कर कार समेत चिन्हित थाने में सौंपा है। वही मामला अब गुरबख्शगंज थाने का है, जहां पर थाने में तैनात होमगार्ड रामशंकर बेटे बता दें कि पुत्र अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गुरबख्शगंज थाना अध्यक्ष और उसके बता दें कि हमराही संतोष पाल सिंह पर लात जूते से मारने का आरोप लगा है। पीड़ित होमगार्ड रामशंकर ने बताया है कि थाने में पुलिस एक मुस्लिम को लेकर थाने आई थी, जिसके बाद से उसकी माँ के और बता दें कि माँ के बेटे को छोड़ने को लेकर ये लगातार अपील की गई है और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित नजर आए। थाने में होमगार्ड को पीटने का आरोप भी लगाया गया है। महावन में बलदेव थाना क्षेत्र के गांव छिबड़ों में राया पुलिस ने कब्र की खुदाई कर रहे एक शव को निकाला है और साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवक 10 महीने पहले ही ढाबे पर काम करता था, जिसकी 9 अगस्त को मोटरसाइकिल से किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो गई थी, जिससे मुनेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों द्वारा उपचार के लिए आगरा ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने शव को कब्र में दफन कर दिया है। वही मुनेश की पत्नी सुहाना अपने मायके माटमुला चली गई थी। बता दें आप, खबर झांसी से है, जहां पर आरटीओ ऑफिस में बिल्ली नामक एक बता दें कि दिन भर में आरटीओ ऑफिस में कमरों में घूम कर चूहे को अपना शिकार बनाती रही। आरटीओ ऑफिस विभाग के छोटे कर्मचारियों या फिर बड़े अधिकारी सभी इस बिल्ली को बड़े लाड़ प्यार से रखते हुए नजर आए। और देखा आपने किस तरीके से बिल्ली को काफ़ी लाड़ प्यार से रखते हुए यहाँ वहाँ पे लोग नजर आए थे। और अब बात करेंगे, गुलरिहा पुलिस ने 4 ऐसे शातिर असलहा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जो व्हाट्सएप के जरिए असलहों की तस्करी करने का काम करते थे। बता दें कि विगत 13 फरवरी को गुलरिहा क्षेत्र में शिव शक्ति गैर एजेंसी मैनेजर से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि घटना में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और गोरखपुर में लगातार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, 4 शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है और असलहा तस्करों की गिरफ्तारी करने में ये पुलिस की बड़ी सफलता हासिल हुई है, जो व्हाट्सएप के जरिए असलहों की तस्करी का काम करते थे। 13 फरवरी को गुलरिहा क्षेत्र के शिव शक्ति गैस एजेंसी मैनेजर से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि घटना में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं बाकी बचे अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस टीम लगी हुई है। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है और ऐसे अपराधियों पर नाम सामने आया था, जिस पर लगातार प्रशासन पुलिस की तरफ से उनकी तलाश की जा रही थी। और अब इन 4 अपराधियों को शातिर तस्करी है ये, इनको गिरफ्तार कर लिया है। झांसी के कोतवाला थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से चल रहे जमीन विवाद को लेकर एक परिवार को अपनी जमीन को बचाने के लिए बार बार धरने पर बैठना पड़ा। आखिर समस्या का समाधान क्यों किया जाता है? आज 8 महीने पहले भी इसी प्रकार के परिवार ने देर रात चौराहे पर धरने पर बैठकर अपनी जमीन बचानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के अली गोल खिड़की निवासी शालिनी अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठी थी। उनका आरोप है कि कुछ दबंग लोग पुलिस की मिलीभगत से पुश्तैनी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। और देखिए किस तरीके से झांसी में एक परिवार धरने पर बैठा हुआ है और लगातार
पुलिस से मिलीभगत का आरोप लगाता हुआ और जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया है दबंगों पर, जिसके बाद से पुलिस आश्वासन देती हुई नजर आई और ये कहना है युवती का कि उनकी जमीन को हड़पा जा रहा है दबंगों के द्वारा और पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करे, इसको लेकर ये परिवार धरने पर बैठे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।